अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं शुएब बाजवा मलेशिया के दिल कुआला लंपुर से। तो जनाब आज मौजूद मैं सलाइंग पासा मालम में और बहुत बड़ा पासर है, तो चलिए जनाब इसको विज़िट करते हैं, देखते हैं जी। दोस्तों तो ये जी पासर की एंट्रेंस है और शुरू में ये देखे गन्ने का रस लगा हुआ है, तो ये वो गन्ना नहीं है जो पाकिस्तान वाला होता है। तो जनाब अभी 6 बजे हैं और काफ़ी रश है, और ये देखें ये जी पोटैटो चिप्स बड़ी मज़ेदार होती हैं। इसी तरह बैग्स लगे हुए हैं, इधर ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये देखें आप काफ़ी रश है यहाँ पे, मुद्दतों बाद रौनकें बहाल हुई हैं। तो ये भी जनाब इधर भी ये पेस्ट्री वगैरह ज़्यादातर आप देखें खाने का ही है। चिकन चिकन बड़े शौक से खाते हैं यहाँ के लोग, जैसे जनाब बकरा खाते हैं हम लोग। ये जी स्वीट्स हैं मलेशियन, मैंने खा के देखी हैं यार, इनका टेस्ट कुछ अजीब सा होता है, तो ये लोग बड़े शौक से खाते हैं यहाँ पर। ये मलेशियन मिठाइयाँ हैं आप ये कह लें, ज़्यादातर चावलों की बनती हैं। और ये जनाब यहाँ पे मांगा है, लेमू आइस है, और इसके अलावा ये फिर ये पेस्ट्री वगैरह हैं, कोई बोलते हैं इनको। और बच्चों के खिलौनों की शॉप है, ये देखें काफ़ी बड़ी है। ज़्यादातर देखें यहाँ पे खाने पीने का, ये चिकन है और ये इसी तरह जनाब लगा हुआ है। खाने पीने के बहुत शौकीन हैं ये लोग। और ये मुर्गी के जनाब छोटे छोटे पीस होते हैं, उनको ये स्टिक्स पे लगा के तो ये बेचते हैं। ये तमाम मीठे हैं, ये सब मीठे हैं। कपड़े लगे हुए हैं इधर, ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। ये जनाब मीठे होते हैं, यहाँ के लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं। और इधर फ्रूट्स लगा हुआ है, ठीक है। इधर फिर चिकन आ जाता है, ये देखें। तो यार ये बहुत बड़ा पासर है और ये स्लाइंग में लगता है, ठीक है। जो रास्ता बातू केव को जाता है उससे उसके तकरीबन पास ही है, लेकिन एक साइड पे है। लोग आना शुरू हो चुके हैं, आप रश देख सकते हैं। और ये पासर कम से कम जनाब 1 किलोमीटर तक गया हुआ। और ये जी हमारा शवारमा लग रहा है, ये देखें आप। और ये भी मलेशियन स्वीट्स है कस्टर्ड की तरह। और ये छलियाँ जनाब, ये देखें आप। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादातर खाने पीने का सामान है यहाँ पे, लोग खाते हैं शॉपिंग करते हैं। जैसे आप ये देखें सलाद है, चिकन है और बड़ा गोश्त है। ये देखें ये मलेशियन जनाब। और इसी तरह इधर ये सेवइयां हैं और मी गोरिंग है। ये देखें ना, चिकन के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं ये लोग। तो ये जनाब सब चिकन उन्होंने जो है वो रोस्ट करके रखा हुआ है। और पासर ये देखें कहाँ तक गया हुआ है, ये बहुत बड़ा पासर है। और इधर जूसेस की शॉप आ जाती है जनाब, फ्रेश ऑरेंज जूस है, मांगा है। और इसी तरह के और हैं, ये देखें आप। ज़्यादातर मैं यहाँ पे ना खाने पीने का ही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी मीठा है। उसके अलावा ये इधर ये पापड़ टाइप है, दुरियान है, ये देखिए। मलेशियन लोग खाबों के बड़े शौकीन हैं। ये चावल लगे हुए हैं, नासी गोरंग चीना है, और इस पर अंडा डालते हैं, मछली डालते हैं। उसके अलावा मैगी गोरंग है, मी गोरंग है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ के लोग बड़े शौक से खाते हैं इसे।
और इस तरफ फ्रूट्स हैं, और ये जनाब यहाँ पे कटहल है और दुरियान है जो कि यहाँ की मशहूर सौगात है, लोग बड़े शौक से खाते हैं इसे। मज़ीद आगे चलते हैं जनाब, आप देख रहे होंगे ज़्यादातर खाने पीने का ही है। और ये लोग ये देखेंगे, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक किस्म का बर्गर टाइप ही है, डबल रोटी होती है भाई, बोल रहे हैं 20 सेंट की, तो उसमें ये चिकन वगैरह डाल के और अंडा डाल के बनाते हैं। और ये जी बर्गर है, और ये जो है ये भी मीठा है, इस तरह बनाया जाता है यार, हमने तो कभी खाया नहीं है। ये देखें आप, इधर पैंट्स लगी हुई हैं, देखिए एक पीस 35 रिंगट क्या 300 की दे रहे हैं। और ये देखे तमाम टोटल फ्रूट्स लगा हुआ है, ये 1 5 रिंगट का बाउल है, और अनार है इसके अलावा। ये देखे आम लगे हुए हैं 10 रिंगट के 2 किलो हैं, और फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इधर कपड़े हैं फिर जी। दोस्तों तो काफ़ी बड़ा पासर है, और मुद्दतों बाद जो है वो मलेशिया की रौनकें जो हैं वो बहाल हुई हैं, और इस तरह के रश वगैरह देखे गए हैं पासर में। तो अभी भी लोगों में खौफ और रश है, इधर तकरीबन 1500 जो है ना वो केसेज हैं कोरोना के। बहरहाल अल्लाह पाक सबको अपने जमान में रखे, तो काफ़ी रश है और मज़ा आ रहा है जनाब आज पासर में जी। ये लेडीज़ बैग लगे हुए हैं इधर, ये देखें, और इधर टोटल फ्रूट्स लगा हुआ है सारा, ये देखें इस तरफ, इधर सॉक्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये बड़ा मज़ेदार फल होता है, जैसे लहसुन होता है ना ऐसे बिल्कुल निकलता है अंदर से, ये बड़ा मज़ेदार होता है। उसके अलावा कपड़ों की शॉप्स हैं, और अभी ये सिर्फ जो पासर है ये मतलब प्यादा हुआ है, और ये मेरे ख्याल में टोटल जो है ना वो गारमेंट्स की शुरू हो गई हैं शॉप्स। ये देखें आप, कपड़े भी काफ़ी इंतहाई सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे 25-30 रिंगिट का, तो स्लाइंग पासर है। तो यहाँ पे आएँ जनाब शॉपिंग करें, और इसके अलावा यहाँ पे वो जो 2 रिंगिट 40 सेंट की शॉप है वो भी इधर ही है, वो इस पासर के पीछे है, ठीक है, ये ऊपर उसका बोर्ड लगा हुआ है हैप्पी होम के नाम से, तो यहाँ पे वो सामने वो शॉप है जहाँ पे हर चीज़ 2 रिंगिट 40 सेंट की है। तो ये पैंट्स वगैरह शुरू हो जाती हैं 10 रिंगिट की एक है, जो भाई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए ज़बरदस्त है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की मोबाइल्स की तमाम वैरायटी यहाँ पे दस्तियाब है। ये देखें 5-5 रिंगिट की पैंट है, और जो भाई काम करते हैं उनके लिए अच्छी है। ये लगे हुए हैं दाने यार, पता नहीं असली हैं कि नहीं, यहाँ पे लोग बहुत शौक से पहनते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में पहनते हैं। यहाँ से शूज़ शुरू हो जाते हैं, ये देखें आप बहुत ज़्यादा वैरायटी है शूज़ की और कपड़े हैं, 35 रिंगिट 25 रिंगिट की एक पैंट्स है। तो ये जो पासर है जनाब ये चलेगा रात, पहले तो 10 बजे तक होता था, अब तकरीबन मेरे ख्याल में 9 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक। वो रंग गोरा करने के लिए भाई वो बाकायदा एक लगा के दिखाते हैं, तो पैंट्स अगर किसी ने लेनी हो तो ये तो इधर देखें मुकम्मल कपड़े लगे हुए हैं, और ज़बरदस्त यार काफ़ी खूबसूरत शर्ट्स हैं, हल्की फुल्की हैं जैसे जिस तरह यहाँ का मौसम है उसी मुनासिबत से हैं, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हैं। जी दोस्तों तो यहाँ पे जनाब पासर का अख्ताम हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये मतलब कि कितना बड़ा पासर है, और
मेरे ख्याल में तो अगर आपने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो यार यहाँ से आज करें, क्योंकि तकरीबन हर चीज़ है यहाँ पर ज़बरदस्त है जी। दोस्तों तो ये था जनाब स्लाइंग पासर मालम, और तकरीबन हर चीज़ ही यहाँ पे मौजूद है। तो मेरा मशवरा है, अगर पासर में से उमदा और अच्छी किस्म की चीज़ें लेनी है तो जनाब आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। तो शुएब बाजवा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।